बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम जी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू भुना मसाला की। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है, बिल्कुल मुनफरिद यूनिक रेसिपी है। आलू की सब्ज़ी को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पकाएं तो जायका ही बदल जाता है। बहुत लाजवाब ये बनकर तैयार होती है। तो फिर रेसिपी शो करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। आलू भुना मसाला बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं आधा किलो। मैंने इनको बॉईल कर लिया, बॉईल करके इनको इस तरह छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया हुआ है। ठीक है, ये उबले हुए आलू हैं जी। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। ये टोटल ऑयल मैंने आधा कप लिया है, इसमें से थोड़ा सा ऑयल हम इसमें डाल देंगे, बाकी का मैं बाद में यूज़ करूँगी। इसमें मैं कुछ सब्ज़ियों को फ्राई करूँगी। तो एक ये बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको रफली काट लिया और इसको अलहदा अलहदा कर लिया मैंने। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें प्याज को, बस हल्का सा, एक से दो मिनट तक जी। दो मिनट तक प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, उसको भी रफली काट लिया हुआ है, तो इसको भी एक मिनट तक अब फ्राई करेंगे। अब बहुत स्लो आंच पे इसको दो मिनट तक ढांप दें जी। तो दो मिनट हो गए हैं जी। तो सब्ज़ियों को हमने बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। देखिए इसका कलर भी बरकरार है शिमला मिर्च का और प्याज भी। ठीक है, तो अब हम इस सब्ज़ियों को निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में जी। तो अब इसी बचे हुए ऑयल में बाकी का ऑयल भी डाल देंगे। आप इस पे ज़रूरत इसमें ऑयल डाल सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो कम डाल लें। इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा, साथ ही इसमें दो मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई वो डाल देंगे। अब प्याज को उतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, हमने इसको कलर नहीं देना, बस इसको सॉफ्ट करना है जी। तो प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, देखें गुलाबी रंग की होगी है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आप कुटा हुआ या चॉप किया हुआ भी डाल सकते हैं। अब इसकी भी थोड़ी सी भुनाई कर लें जी। तो लहसुन अदरक की भी भुनाई कर ली है, तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। आँच मैंने हल्की कर दी, मसाले डालते हैं 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी जी। तो यह है 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। अब इन मसालों को 30 सेकेंड तक भून लें। अब इसमें डाल देंगे दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनकी मैंने पेस्ट बना ली है। आँच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है। अब टमाटरों को ढाँप कर हम लो मीडियम आँच पे 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो गए इसको ढाँप कर पकाते हुए, तो टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें 4 टेबलस्पून दही डाल देंगे फेंट कर, और आँच को थोड़ा हल्का कर लें और फौरन से इसको मिक्स कर लें ताकि दही फटे ना। अब आँच तेज़ करके दही का पानी भी अच्छे से खुश्क कर लें जी। तो दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, आप मसाले की कंडीशन देख सकते हैं, ऑयल सेपरेट होके ऊपर आ चुका है। तो इस पॉइंट पे हम उबले हुए आलू डाल देंगे और मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया आलूओं को। इसमें डाल देंगे आधा कप पानी, अच्छे से हला लें। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी, 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा जूलियन कट अदरक, और जो सब्ज़ियाँ हमने फ्राई की थी वो भी इसमें डाल देंगे इस पॉइंट पे। इसको हला दें एक दफ़ा, और हरा धनिया
तो इसको अब हम कवर कर देंगे बिल्कुल दम वाली आंच पे 6 से 7 मिनट तक के लिए। जी तो बहुत ही स्लो आंच पे पकते हुए इसको 6 मिनट हो गए, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। इसकी बहुत प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, तो चूल्हा कर देते हैं इस पॉइंट पे हम बंद। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलू भुना मसाला जो है बनकर तैयार है, बहुत ही ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फैमिली को बनाकर खिलाइएगा, तो फैमिली को यकीनन ये पसंद आएगी और बार बार फरमाइश करेगी। ठीक है, तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।